हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? तो दिन ख़त्म हो चुका है और अभी रात के 12 बजने वाले हैं और हमारा काम तो ख़त्म नहीं हुआ। सोचे कि चलो अभी कर ले, क्योंकि कल है अनंत चतुर्दशी, जो कि हम लोग फास्ट रखते हैं और हम लोग पूजा करते हैं। अनंत चतुर्दशी पे विष्णु भगवान की पूजा होती है और उस पूजा में हम लोग अनंत धागा हाथ में, अपने बाजू में अनंत धागा बांधते हैं। तो यहाँ पे मिलता नहीं है, मैं हूँ महाराष्ट्र में और यहाँ पे अनंत धागा मुझे मिलता नहीं है। तो मैं कैसे बनाती हूँ? मैं घर में ही बना लेती हूँ। तो ये है मौली, मौली धागा हम ले लेते हैं और फिर हम इसका ही हर साल बनाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इसके लिए मौली का धागा लिया है। आप इसके इसको बनाने के लिए आप या तो रेशमी धागा यूज कर सकते हैं या कॉटन का भी धागा अगर आपको मार्केट में मिले तो आप वो ला के यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने तो घर में जो मौली का धागा रखा था, हाथ में जो कलाई बांधते हैं कलाई पे, वो धागा ही मैंने किया है। तो देख सकते हैं आप, उसी को मैं यूज़ करती हूँ। आप इसमें 14 धागा होना चाहिए, ये जो होता है एक एक करके मैंने 14 काउंट कर लिए हैं। इसमें 14 धागा होना चाहिए, थ्रेड पतली पतली, तो 14 मैंने काउंट कर ली है और हम इसमें 14 गांठ बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे और किसी को पहले होल्ड कर पकड़ने के लिए बोलेंगे, टाइट पकड़ के, उसके बाद हम ऐसे बनाएंगे। ऐसे हमने इसको उल्टा कर लिया है हाथ को और अब हम इसमें से इस धागे को निकालेंगे। तो निकाल के एक हमारा गांठ बन गया है और हम काउंट करते जाएंगे कि हमें कितना गांठ करना है। 14 से कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 14 ही होना चाहिए। एक हो चुका है और अब हम ये दूसरा गांठ बना रहे हैं। अब हम इस तरह से तीसरा, थर्ड, नीचे वाले को ऊपर लेंगे और इस तरह से खींच लेंगे। फोर्थ हो गया, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन एंड फोर्टीन। तो गाइस देखिए, ये 14 गांठ हो चुका है और अब हम इसको इस तरह से बांध सकते हैं। हम इस धागे को ऐसे ले लेंगे और इसमें घुसा के फिर हम इसको हाथों पे बांधेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अनंत रेडी हो चुका है। तो कल हम इसका पूजा करेंगे, सुबह में ही करना है। उसके बाद हम इसको हाथों में बांध लेंगे भगवान को चढ़ा के। तो इस तरह से आप घर में इजीली बना सकते हैं, कहीं भी रहे, अगर मार्केट में मिले ना मिले, आप इसको बना के यूज कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। मैं तो ये हर साल यूज कर रही हूँ, जब से महाराष्ट्र में हूँ तब से मैं इसी का घर में बना के यूज करती हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, काफ़ी खुशी मिलती है। तो चलिए। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा अनंत बन के रेडी हो चुका है। देखिए, हम लोग अनंत चतुर्दशी का पूजा बहुत ही अच्छे से करते हैं हर साल, और उस दिन अनंत धागा का बहुत ही महत्व है और हर किसी को पूजा करना चाहिए और धागा पहनना चाहिए और कथा भी सुननी चाहिए। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलता है, मैं तो घर में बना लेती हूँ धागा और ख़ुद से पूजा कर लेती हूँ, यूट्यूब से कथा सुन लेती हूँ और उसी तरह से हर साल कर रही हूँ। तो आप भी करिए, ये धागा बना लीजिए घर पे और पूजा करिए, बहुत ही शुभ होता है। तो चलिए, अब कल सुबह पूजा की तैयारी करेंगे। अब अभी रात काफ़ी हो चुका है तो अब हम लोग सोने जा रहे हैं। बाय, गुड नाइट।